ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। अरे विनोद, ट्रक को ब्रेक तो लगाओ। अरे इसे ब्रेक तो अपनी मंजिल पर ही जाकर लगेगी। ये ले, बज गया तेरा बाजा। चुप, देख मैं उसे मिलने जा रही हूँ, किसी को पता ना चले। हाँ पकड़। चंपा, कितनी अच्छी फोटो है हम दोनों की, देख। तू बहुत अच्छी लग रही है। अरे अच्छी तो तू लग रही है। अरे ओ चंपा, ये लेना, जल्दी से मेरे बाबू को पहुंचा दे। ला दे। अच्छा लच्छो, मैं जाती हूँ। विनोद, विनोद, पतेली कहाँ चली गई? चंपा कहाँ है? वरना ये जहर में डूबा हुआ खंजर तेरी जिंदगी को जहर बना देगा। मुझे नहीं मालूम कि चंपा कहाँ है। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ चंपा, अब तेरे बगैर एक पल काटना भी मुश्किल हो गया है। चंपा, कब तक हम छुप छुप कर मिलते रहेंगे? अब और ज्यादा दिन नहीं। वैसे तो हम बंजारों की लड़कियां कबीले से बाहर बिहाई नहीं जा सकती, लेकिन सरदार के जन्मदिन पर अगर वो कोई भी वादा किसी से भी करते तो उसे जरूर पूरा किया जाता है। पर इस बार मैं तुम्हें मांग लूंगी। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं सरदार से उनकी बेटी चंपा का हाथ मांगता हूँ। मैं सरदार के वचन के साथ साथ चंपा के बाप के नाते भी तुम्हें अपना दामाद कबूल करता हूं। बापू, तूने क्या किया बापू?
बेटी, मेरी नजर में जिंगारा से बेहतर लड़का तुम्हारे लिए और कोई नहीं है। लेकिन बापू, मुझसे एक बार तो पूछ लिया होता। चंपा, हम बंजारों में बाप बेटी को जिस डोली में भी बिठा दे, बेटी उसे कबूल कर लेती है। जिंगारा, शादी की तैयारी करो। तेरी तो तकदीर खोटी है चंपा। मैं तकदीर के खोट को तकदीर से बदल दूंगी। इस अंगूठी में भरे हुए जहर को मैं, क्या तू अपनी जान दे देगी अगर विनोद का साथ ना दे सकी तो? लेकिन तेरा बापू तो तुम्हारा को वचन दे चुका है, और तू तो जानती है बंजारों का वचन पहाड़ होता है। इस बंजारन का वचन भी रेत की दीवार नहीं बन सकता चमकी। तू एक काम कर, उसी जगह चली जा और जैसे विनोद आए मुझे खबर कर दे। लेकिन तू कब तक ना सकेगी? जब तक मेरी पायल की झनकार गूंजती रहेगी तब तक मैं अपने दिल की धड़कन को बंद नहीं होने दूंगी। चंपा तैयार हो गई? हाँ बिल्कुल तैयार हो गई। चंपा, बापू ने कहा है कि आज सुन। आ जाना, आ जाना।
चंपा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मैं पूछता हूँ चंपा कहाँ है? बोल। चंपा। आज बाप और बेटी के वचन आपस में टकरा गए। मुझे यहाँ से ले चलो विनोद। नहीं चंपा नहीं, ये ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे बापू से जाकर बात करता हूँ। नहीं 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 विनोद, अगर कबीले वालों ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो उनका खून खौल उठेगा और वो तुम्हें चांद से मार डालेंगे। अगर मेरे खून से उनकी प्यास बुझ सकती है तो मैं तैयार हूं। लगता है उन लोगों ने हमको देख लिया है। चंपा भाग जा, चंपा उन लोगों ने तुझे देख लिया है, भाग जा वरना तुझे जान से मार डालेंगे। भाग जा चंपा, भाग जा। उन लोगों ने चंपे को मार डाला है, उन पर खून फैला है। तुम्हें मेरी कसम विनोद, चलो यहाँ से, चलो भाग, चलो चलो। सजा मिलनी ही चाहिए। सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। हमारा कबीला पुराने सरदार के खानदान को यहाँ छोड़कर कल इस मनहूस जगह से कूच कर जाएगा। काश वो कबीला ट्रक ड्राइवर मुझे मिल जाए, मैं उसका गला घोट तो खून पी जाऊं। उसे किसी ने देखा भी नहीं, पता नहीं कब कैसे मेरी बहन को अपने जाल में फंसा लिया। माँ, मैं वैद्य को लेकर आती हूँ। नहीं बेटी,
मेरी बात सुन। देख, देख तो चंपा की तरह माँ को कभी धोखा मत देना। सुन बेटी, बेटा बनकर माँ का ध्यान रखना, उसे वादा कर, वादा कर। हाँ बाबू, मैं वादा करती हूँ, माँ की खुशी मेरी खुशी होगी, मेरी जिंदगी होगी। बापू नहीं, बेटी, नहीं बापू, तू हमको छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे तेरी सौगंध है बापू, जिसने हमारा घर बर्बाद किया, मेरी बहन को हमसे छीना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। चंपा, अरे ओ चंपा, दरवाजा खोल। एक मिनट ठहरो, मैं नहा रही हूँ। जल्दी से खोल। क्या चाहिए तुम्हें? ओ, क्या बताऊँ, वो कार की चाबी अंदर भूल गया था, और अगर मुझे देर हो गई ना तो कीमतीलाल सेठ मुझे वहीं नहला देगा। ओफो, आ रही हूँ। ऐसे भी क्या घबराहट, किम तुम जरूरी चीजें भी भूल जाते हो? क्या बताऊं, अपनी चीजें कुछ ऐसी है, सब कुछ भुला देती है। दर्द हो रहा है? नहीं विनोद, ये दर्द तो भगवान की वो देन है जो हमारे सारे दर्दों को दूर कर देगा। बापू की नाराजगी मुन्ने को गोद में लेते ही दूर हो जाएगी। हाँ चंपा, फिर हम दोनों माँ और बापू की खूब सेवा करेंगे। हाँ, लेकिन मैं इतना बता दूं, मैं अपने मुन्ने को ट्रक ड्राइवर नहीं बनने दूंगी। अच्छा? हम उसे खूब पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनाएंगे। हाँ चंपा, तू जो चाहेगी वही होगा। चंपा, चंपा, चाची, चाची, क्या है? चाची, चंपा, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, तुम बाहर जाओ, मैं अभी देखती हूँ। चाची, चाची, चाची। माँ और बच्चा दोनों की जिंदगी खतरे में है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत पैसे खर्च होंगे। पैसा बहुत आ जाएगा चाची, मैं अभी अपने सेठ के पास जाता हूँ। जाऊंगा सेठ, मगर ऐसे नहीं, इन रुपयों के साथ। पुलिस, मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ। वर अरे अरे, ये तो हमारी मोटरसाइकिल है। ये देख, मैं पैसे
से ले आया हूँ। कैसी चंपा? चंपा तुम्हारे लिए निशानी छोड़ गई बेटा, तुम्हारा बच्चा। क्या? चंपा इस दुनिया से चली गई। घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो पुलिस की हिफाजत में है। तुम्हें बड़ा खतरनाक दौरा पड़ा था, ये लो। अब ये हमेशा तुम्हें अपने पास रखनी पड़ेगी, जब भी कभी दर्द उठे। ये दर्द नहीं है डॉक्टर, ये खुदगर्ज जमाने का दिया हुआ घाव है जिसे मैं सारी जिंदगी हरा रखूंगा। इंस्पेक्टर खान, आप अपने मरीज को ले जा सकते हैं। कीमती लाल के यहां गुंडागर्दी और लूट मार करने के जुर्म में तुम्हें 6 महीने कैद बामुशक्कत की सजा दी जाती है। सेठ, ये आग तुमने लगाई है लेकिन इसे बुझाऊंगा मैं। के जेल जाने की तुम जेल से भागे? हाँ कीमती लाल, मैं तेरी ही जलाई हुई आग को तेरे ही खून से बुझाने आया हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ डार्लिंग? विनोद यहाँ आया था, उसने मुझ पर गोली चलाई, उसने मुझे मार डाला था। कैसी बातें कर रहे हो, शायद ख्वाब में डर गए हो। विनोद तो इस वक्त जेल में चक्की पीस रहा होगा। इससे पहले कि वो यहाँ आए हमें ये जगह छोड़ देनी होगी। ये आपकी बहन ने? हाँ, तुम जानते हो उसे? ये तो एक कार ड्राइवर की पत्नी थी। पत्नी थी? क्या उसने उसे छोड़ दिया? वो उसे क्या छोड़ता, वो बेचारी खुद ही इस दुनिया में उसको अकेला छोड़कर चली गई। क्या? हाँ, उसको बच्चा पैदा होने वाला था और दवा न मिलने की वजह से बच्चे को जन्म देते ही मर गई। मुझे उसके पास ले चलो। सुना है वो बंबई चला गया। ये है मकान तुम्हारे ट्रक ड्राइवर विनोद का, तुम थोड़ी देर बैठो, वो आता ही होगा। और कौन कौन उसके साथ यहाँ रहता है? फिलहाल तो यहाँ वो खुद भी नहीं रहता। दरवाजा क्यों बंद किया? पर्दे के काम पर्दे में होते हैं। अच्छा, इस चूहिया के दांत भी हैं। हट जा। मैं कहती हूँ हट जा। अब बोल। आज के बाद इस इलाके में दोबारा दिखाई दिया तो जिंदा जमीन है काट।
बाबा, मैं कोई धान्यबाजी नहीं कर रहा था। वो मोहन है ना, वो इस बिचारे के साथ जबरदस्ती। तुम खुद ही पूछो, इससे पूछो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम ना होते। अरे कैसा नहीं होता बाबा, अपने होते हुए इस इलाके में कोई गड़बड़ कर सकता है? अरे मगर आप लोग तो इस इलाके में नए दिखाई दे रहे हैं। हम परदेसी हैं बेटा, आज ही इस शहर में आए हैं। अच्छा अच्छा, मेरा नाम छगन है छेनू, और ये है साबिर बाबा। रेलवे में काम करते हैं, बहुत अच्छे आदमी। और ये मकान भी अपने दोस्त का ही है, अगर आप चाहें तो बहुत कम भाड़े मिल सकता है। अच्छा है ना बाबा? हाँ, तू तो यहाँ का बादशाह है बेताज का। ओ फिर उस्ताद, एक मिनट में। क्या उस्ताद, इतने आज सेठ आया है, आपसे मामला तय करना चाहता है। कौन है वो? बनवारी सेठ। बनवारी सेठ, और कोई आवाज ना कर सके, इसकी कीमत मुझे क्या मिलेगी? जो तुम चाहो। फिलहाल सौदा दिलचस्प है। चावल वाली। अरे वो चावल वाली, क्या भाव है तुम्हारे चावल के? भाव अपनों से नहीं, घरों से किया जाता है। अरे धंधे की बात है, रियायत करोगी तो नुकसान में रहोगी। बोल कितने पैसे दे दूं? हाय राम, इतने रुपए कहाँ से लाया? सब तेरे पाँव की बरकत है, आते ही मेरी किस्मत के दरवाजे खुल गए। भगवान करे तेरे दरवाजे हमेशा खुले रहें। हाँ वो तो ठीक है, मगर उसके लिए एक शर्त होगी। शर्त क्या? हमेशा हमेशा के लिए साथ निभाना होगा। तू? जी हाँ मैं। धत, कुत्ते, भूल गया उस दिन की मार, जिसका निशान अभी तक तेरे थोबड़े पे है। अगर इसे भूल गया होता तो तुझे कैसे याद रखता चूहिया, लेकिन आज तो तुझे खुदा भी नहीं बचा सकता। अरे तुझ जैसे बदमाश के लिए तो खुदा का बंदा भी काफी है। खबरदार खबरदार, अगर किसी ने इसको हाथ लगाया तो। ए बुढ़ाऊ चला जा यहाँ से, वरना अपनी मौत का जिम्मेदार तू खुद होगा। अरे मौत के नाम से शैतान डरा करते हैं, हम मुसलमान इसे ईमान कहा करते हैं। अच्छा। बाबा, बाबा, चलो। हाँ बाबा। चलो, भाग, जब पुलिस आ रही है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया छोड़। किसी पापी को उसके पाप की सजा देना अगर गलत काम है, कानून की नजरों में जुर्म है, तो उसके लिए मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। किया जाता है।
ना रो। देख, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, और फिर ये थोड़े दिन तो यूं ही गुजर जाएंगे पगली। पता नहीं भगवान मुझसे मेरे अपनों को क्यों दूर कर देता है। जो अपने होते हैं ना, वो कभी अलग नहीं होते। हालात की दूरी चाहे कितना भी दूर कर दे, लेकिन तुम मेरे दिल से कभी दूर नहीं हो सकते लच्छो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हारा बच्चा पुलिस बोर्डिंग में है, तुम जब भी चाहो उसे ले जा सकते हो। ये लो अपने सिक्के। छगन उर्फ छैनू, सजा 5 साल, हवलदारी से ले जाओ। कहाँ है कीमती लाल? कीमती लाल सेठ के मकान बेचकर 6 महीने हुए बंबई चले गए। ये लीजिए आपका बच्चा। अरे ओ, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। लेकिन इसे मैं लेकर कहाँ जाऊंगा? सुनिए, आप कुछ दिन और मेरे बच्चे को यहाँ रख सकती हैं। इस वक्त तो मेरा कोई ठिकाना नहीं और ना कोई काम है। जब काम मिलेगा तो मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगा। क्यों नहीं, हमारा तो काम ही बेसहारा बच्चे को संभालना है। आओ, आओ। मेरे जीते जी, मेरे बच्चे को बेसहारा कहा जा रहा है? ये सब तेरी वजह से है कीमती लाल। ठीक आधे घंटे के बाद हीरालाल का ट्रक यहाँ से गुजरेगा। ओहो, अबे जल्दी कर चटनी के, देर हो गई तो सब बंटा धार हो जाएगा। कर तो रहा हूँ सेठ, साली क्या बीमारी है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बीमारी क्या है मैं बताता हूँ भैया की बात। चल ला। हाँ यार, स्टार्ट तो कर। अरे भैया की बात, तुमने तो कमाल कर दिया, ये लो 100 रुपया। अरे सेठ, काम तो हमने 5 रुपए का किया है और तुम हमें 100 रुपए दे रहे हो। हमें पैसा नहीं चाहिए सेठ, हमें बम्बई ले चलो। ठीक है चलो। हाँ अनिल, ड्राइवर जख्मी होकर बाहर गिर चुका है, लेकिन ट्रक कोई और लेकर जा रहा है, फौरन उसे रोको। ओके। आगे तो रास्ता। अरे चलो ना, इधर को, इधर जल्दी जल्दी।
यहाँ कहाँ ले आए हो? अरे फिकर मत करो, आगे चलो। कमोन। अरे जल्दी उतारो माल, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। बस एक बहुत देरी की आज तो। अरे साहब शुक्र कीजिए कि माल यहाँ तक पहुँच गया। रास्ते बहुत बड़ा तूफान आया था, वो तक मल्लाह था जो नैया निकाल कर यहाँ तक ले आया। नैया निकाली माल। ओके। मस्त मेम साहब। तुमने हमारा काम देख लिया और हमने तुम्हारी बहादुरी दी, तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। हाँ पैसा नहीं था तो मेरी चंपा चली गई और मेरा बच्चा। नहीं नहीं अपने बच्चे के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी करूंगा। अरे बड़ी जल्दी आ गए, काम मिल गया? जी हाँ। ये लीजिए, फूल जैसा बेटा है आपका। अब तो मैं इसे फूलों की तरह ही रखूंगा, सारी दुनिया की खुशियां इसके कदमों में होंगी। चावल वाली आई। क्या नाश हो इनका, साले अंधे होकर गाड़ी चलाते हैं। अरे वाह, तेरा घर तो बहुत फर्स्ट क्लास है। कौन हो तुम? मैं लच्छू चावल वाली। चावल वाली हो या कोई भी हो, बच्चे को अकेला देखकर हाथ साफ करने का इरादा है? पापा इस बेचारी को क्यों डांटो, इसने तो मुझे बचाया वरना मैं मोटर के नीचे आ जाता। सच बेटे, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? बिल्कुल नहीं। ये लो। ये क्या बाबू? तुम्हारी मदद की कीमत, तुमने हमारे बेटे की जान बचाई है। क्या तुम्हारे बच्चे की जान की कीमत सिर्फ 100 रुपया है? इस घर में बंटी की जान की कीमत के लिए पैसा ही पैसा है लड़की, जितना चाहो ले सकती हो। शुक्रिया। ये पैसा अपने बच्चे पर से निछावर करके गरीबों में बांट देना, हम गरीब भलाई की कीमत नहीं लिया करते। ए चावल वाली आंटी, तुम बहुत अच्छी हो। तू भी बहुत अच्छा है यार, लेकिन तेरा ये भैया, तुम्हारे हिस्से के ये 25,000 रुपए हैं, मैंने अपने रख लिए। भैया एक बात और याद रखना, आते 6 महीने में जितनी कमाई कर सकते हो कर लो। 6 महीने में क्यों? अरे भैया उसके बाद वो आफत जो आ जाएगी, छेनू इस इलाके का पुराना दादा, उसके आने के बाद तुम्हें ये जगह छोड़नी पड़ेगी। उस दिले की बात मत करो हीरालाल, विकी को अपनी जगह से हटाने वाला आज तक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। शाबाश छेनू, तू भी आ गया। अरे अगर मैं नहीं आता तो तुझे वापस कौन ले जाता? नहीं मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ छेनू। कितने हो? ये तो मैं तुम्हारे भागने से ही समझ गया था। जगो चल। मैं नहीं चलूंगा। जगो।
छेनू कहता कम है करता ज्यादा। चल अबे है तेरी बहुत समझदार गुंडे हो। यह समझदारी की नहीं उसूल की बात है साहब। उसूल की? जी साहब। क्या है, अपन भी एक इलाके का दादा है। अब अगर अपन के इलाके में किसी माँ बहन या कमजोर को कोई छेड़े परेशान करे तो इसका मतलब यह हुआ कि उसने अपन की दादागिरी के कानून को तोड़ा है साहब। तो अपन उसको सजा देंगे और अपन ने उसको सजा देकर सरकार के कानून को तोड़ा है तो सरकार अपन को सजा देगी और अपन का फर्ज बनता है उस सजा को भुगते साहब। अच्छा तुम जा सकते हो। क्या मनवा रहा था? ये ले अपने चावल। अरे लच्छू। अरे लच्छू बहन, कब आ रहे छेनू भैया जेल से? ओए, पान की बजाय मुक्का मार के मुंह लाल कर दूंगी अगर छेनू को भाई कहा। मुझे बहन कहता है तो वो तेरा जीजा है जीजा। वो तो बोलूंगा ही शादी के बाद। अरे शादी भी हो जाएगी सिर्फ 6 महीने जेल से वापस आने में। लच्छू बहन, कैसे तबीयत है तुम्हारी माँ की? क्यों, क्या हुआ माँ को? तुम्हें पता नहीं उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी, मम्मी चाचा अस्पताल लेकर गए हैं। क्या, तूने पहले के लिए कहा? अरे वाह 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 वाह, देखा इसे कहते हैं माँ की मोहब्बत। और एक तू है, जरा भी माँ का ख्याल नहीं। माँ का ख्याल ना होता तो तुम्हारी बेहुदा बातें क्यों सुनती? माँ, 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 कैसी है मेरी माँ डॉक्टर? इनका मर्ज काफी खतरनाक है। खतरनाक? कुछ भी करो मेरी माँ को बचा लो, इसके सिवा अपना कोई पद नहीं। एक ही रास्ता है, ऑपरेशन। ऑपरेशन? हाँ, बीमारी ऐसी है कि ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, वरना इनकी जान भी जा सकती है। कितना रुपया लगेगा? कम से कम 2000। 2000? इस घर में बंटी की जान की कीमत के लिए पैसा ही पैसा है लड़की, जितना चाहो ले सकती हो। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए डॉक्टर साहब। गरीब लोग भलाई की कीमत नहीं लिया करते, लेकिन दिन को किसी की मदद करके घर की पोजीशन जरूर देख लेते हैं और रात को चोरी करने चले आते हैं। क्यों? देखो बाबू, चोरी करने आई अपन की मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? अपन की माँ अस्पताल में है, ऑपरेशन के लिए 2000 रुपए चाहिए। अब सीधे रास्ते तो इतना रुपया मिलता नहीं तो चोरी करने चली आई। अगर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, तो तुम्हारी माँ का ऑपरेशन कैसे होगा? ऑपरेशन तो होगा बाबू,
चाहे उसके लिए मुझे किसी का खून क्यों ना करना पड़े। ओ, ये बात है। तो मैं पुलिस को बुलवा लेता हूँ। बुरी बात है लड़की, चोड़ियों की जगह चाकू अच्छा नहीं लगता। छोड़कर तो नहीं जा सकती थी। अजीब लड़की हो तुम, मां का ऑपरेशन कराना है, चाकू लेकर तुम चोरी करने निकली और किसी को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। अपनी जरूरत इंसानियत से ज्यादा तो नहीं होती, पर ये अचानक तुम्हें क्या हो गया था? कुछ नहीं, एक दर्द है जो कभी कभी उठाता है। मेरा दर्द तो पुराना हो गया है, लेकिन इस वक्त तुम्हारी मां का ऑपरेशन बहुत जरूरी है, वो मैं करवाऊंगा। ये लो पैसे। ये तस्वीर, ये मेरी बहन की है। तुम्हारी बहन? हाँ बाबू, एक ट्रक ड्राइवर ने उसे हमसे दूर कर दिया। इस सदमे ने मेरे बाबूजी की जान ले ली। मेरी बहन उसके बच्चे को जन्म देते समय भगवान को प्यारी हो गई। हम मां बेटी दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक दिन उस जलील इंसान का गिरेबान मेरे हाथ में होगा और मैं उससे अपने खानदान की तबाही का बदला लूंगी। मैं उसकी बॉडी बॉडी चील कमों को खिला दूंगी। मां कसम, मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगी। तुम्हारी मां कौन से अस्पताल में है? भगवान दास अस्पताल में। ये रुपए लो और चले जाओ। भगवान, तुम जैसे देवता को हमेशा सुखी रखे, हमेशा सुखी। तुम्हें चंपा की मोहब्बत में मिली थी, तुम्हारी नजर में सिर्फ इंसान का दर्जा मिल जाए, यही भाव था मेरे लिए। नमस्ते माँ जी। अरे आओ सेठ। माँ, ये वही सेठ हैं जिन्होंने तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसे दिए। ये उनका बच्चा है माँ। नमस्ते माँ जी, आपके लिए मैं फूल आया हूँ। बड़ा प्यारा बच्चा है। ये लो प्रसाद, माँ का ऑपरेशन कामयाब हो गया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर साहब जी, माँ जी कब तक अच्छी हो जाएंगी? कल तक तो आप इन्हें यहाँ से ले जा सकते हैं, लेकिन इनकी सेहत इस बात पर ज्यादा डिपेंड करती है कि इन्हें वहाँ पर किस तरह का माहौल और आबोहवा मिलती है। समझ गया डॉक्टर साहब, अब माँ जी हमारे साथ ही रहेंगी। सेठ, अपन गरीब के लिए इतना ही काफी है कि माँ का ऑपरेशन हो गया, ज्यादा एहसान? मैं कोई एहसान नहीं कर रहा लच्छो, मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। अच्छा माँ जी,
मैं चलता हूँ। माँ जी को नमस्ते करो। नमस्ते माँ जी। लच्छू कितना अच्छा लड़का है, इसे देखकर तो अपना छगन याद आ गया। हेलो, तुझसे कोई मिलने आया है? लच्छू आइए। लच्छू तुम? उस्ताद बनवारी सेठ ने भेजा है, विकी ने बड़ी धांधली बता रखी। बनवारी सेठ का माल तुम्हारे इलाके से गुजरने ही नहीं देता। क्या बनवारी के ग्रुप में सारे नामर्द रह गए? तुम्हें आने में तो बहुत दिन है, बनवारी सेठ का काम बिल्कुल बंद है। तू एक काम कर, लॉरेंस के पास चला जा। गाड़ी क्यों रोक दी? वो देखो, आज लगता है उसकी मौत ही आ गई है। चला दो गाड़ी ऊपर। विक्की के हुक्म पर इस इलाके की सड़कें लोहा उगलने लगती हैं। विकी ने मेरे नाक में दम कर रखा है। और लॉरेंस तुम जैसा आदमी भी मान जा। आई एम सॉरी सर, विकी मेरे बस का नहीं। तो फिर किसका बस का है? जिसके बस का है वो आ चुका है बनवारी से। छेरू तुम? ये बुरी बात है बनवारी सेठ, तुम्हारे चेहरे पे पीला रंग मुझे अच्छा नहीं लगता। और छेरू तुम नहीं जानते कि मैं कितना परेशान हूँ, कितना परेशान। ये सब लोग है ना, ये सब बेवकूफ है, गधे। तुम आ गए तो मेरी जान में जान आ गई। लेकिन छेनू तुम इतना पहले? अरे सिर्फ 6 महीना पहले आ गया। अपन की ईमानदारी पर सरकार खुश हो गई और जेलर साहब की सिफारिश पे जल्दी छोड़ दिया गया। वेरी गुड। हाँ लॉरेंस, ये कौन सा विकी है जिसने तुम जैसे आदमियों को डिक्की में बंद कर रखा है? आदमी काफी जानदार है, इस पूरे इलाके में उसका रंग चढ़ा हुआ है। अरे ये कच्चा रंग है, भट्टी की एक ही धुलाई में धुल जाएगा। चलो दादा, अरे आधा बस है। आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं जीनत हूँ, जीनत खैरन बुआ की बेटी। ओ खैरन बुआ की बेटी जीनत। अरे बाप रे, 5 साल में कितना फर्क पड़ गया है, 5 साल पर इतनी छोटी नहीं। अच्छा ये पता जीनत, सब ठीक ठाक चल रहा है ना? बस चल ही रहा है, बढ़िया घटिया तो तकदीर के साथ लगा ही रहता है। अरे वाह, लड़की का कद के साथ साथ दिमाग भी कितना बड़ा हो गया। नहीं अच्छा, अम्मा को मेरा सलाम बोलना और बोलना बाद में हम घर पे जरूर मिलने आएंगे। बाबा चलो चलो। बाबा तू आ गया बेटा। अरे बाबा, तेरा तो जन्म ही दूसरों को संभालने के लिए है रे। अरे बाबा, संभालते तो तुम हो इन सारे छेनुओं को। बाबा तुम्हारा स्कूल तो बड़ा जोरदार चल निकला। हाँ तू देख ले छेनो, इन गरीबों के झोपड़ों के दिए इल्म की रोशनी से सारे देश को जगमगा देंगे। अरे सो तो होकर ही रहेगा बाबा। आप जैसे लोग ही तो हम जैसे जाहिलों को सीधे रास्ते पे लाते हैं। और हम बाबा लच्छू कहाँ? उसके घर गया तो देखा ताला लगा हुआ था। उसके माँ को देखने में अस्पताल गया था, पता चला वो अपनी माँ को लेके कहीं और चली गई है। कहीं और चली गई? कहाँ? अभी छेनू होता तो कांधे पे उठाकर सारे मोहल्ले में घुमाता। आंटी तुम तो बिल्कुल मम्मी जैसे लगती हो। अच्छा पहले तो मुझे मम्मी के कपड़े पहनाए और आप मम्मी लगने लगी। तुम्हें यकीन नहीं, आओ मैं तुम्हें मम्मी की तस्वीर दिखाता हूँ। चल। जानती हो क्यों? तुम्हारा प्यार जो तुम्हारे जाने के साथ साथ बंटी की जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया था, आज तुम्हारे ही खून के जरिए उसे फिर से मिल गया है। मैं गिर जाऊंगी। मम्मी की फोटो देखोगी ना तो हैरान हो जाओगी। हाँ।
पापा पापा आंटी बिल्कुल मम्मी जैसे लगती है। मम्मी की फोटो दीजिए ना, मैं आंटी को दिखाऊंगा। बेटे वो फोटो जो है ना, वो हम दफ्तर में रखा है। हम इन्हें बताएंगे ये मम्मी से कितनी मिलती है। अच्छा बाबा मान गए, मैं तुम्हारी मम्मी जैसी। मैं मम्मी का करूं? आंटी पापा हमें मम्मी कहना अच्छा लगता है। पूरी बात है बेटे, जिस बात के लिए पापा मना करे ना उसे फौरन मान लेना चाहिए। पापा मम्मी कहना बुरा है? ओफो, अच्छे बेटे हर बात का जवाब नहीं मांगा करते। जाने भी दीजिए ना बाबूजी। अच्छा जिस बात का मतलब ना जानता हो उसको रोक कर उसके दिल को दुखा कर क्या फायदा। बेटे तुम मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हो, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना। हेलो बॉस। हाँ डिलीवरी जानी है, आप कब तक पहुंचेंगे? आधे घंटे तक पहुंच जाऊंगा। पापा आज आप कहीं नहीं जाएंगे। होल्ड ऑन बेटे, पापा को काम है। नो काम, आज हमारा जन्मदिन है। अच्छी बात है, सुनो आज तुम ही चले जाओ। ये साला चूहा हमारे रास्ते के बीच में कहां से आ गया? उधर साला कुत्ते की औलाद। विकी से कह देना कि मौत का दूसरा नाम छेनू है, अगर जिंदगी से प्यार है तो इस इलाके को भूल। शम्मा अब ये जलना वलना छोड़, ओ महफिल की शम्मा अब ये जलना वलना छोड़, हिम्मत है तो आजा आज बराबर का है जोड़। मुकाबला है मुकाबला, मुकाबला है मुकाबला, मुकाबला है मुकाबला, रह न जाए फासला। मुकाबला है मुकाबला। हिम्मत हिम्मत शेखी विकी बात पुरानी छोड़, छोड़। हिम्मत हिम्मत शेखी विकी बात पुरानी छोड़, जोड़ बराबर का है तो इस जोड़ का हूँ मैं तोड़। मुकाबला है मुकाबला, मुकाबला है मुकाबला हमसे ना करो मुकाबला, मुकाबला हमसे ना करो, नहीं तो मिट जाओगे, नहीं तो मिट जाओगे, लूटने वालों संभल जाओ, नहीं तो लुट जाओगे, नहीं तो लुट जाओगे, क्योंकि क्योंकि जिनकी आंख मिलाने से ही सांस उखड़ती है, जिनकी सांस उखड़ती है, चूड़ियों के बोझ से कलाई मुड़ती है, कलाई मुड़ती है, काजल के दबाव से पलक भी दबती है, दुपट्टे के लिपटने से कमर लचकती है, दिल इतना कमजोर के छिपकली से घबराते हैं।
चूहे के डर से ही सीने से लिपट जाते हैं, सीने से लिपट जाते हैं, सीने से लिपट जाते हैं। जाने नहीं पाए कोई, लूट लो इनका काफिला, मुकाबला है मुकाबला, मुकाबला है मुकाबला। यहां है।
ये मेरा और इसका मामला। लगता है इसने भी शेरनी का दूध पिया है। तुम्हारे बारे में जितना सुना था उससे ये उम्मीद थी कि तुम यहां जरूर आओगे, और तुम्हारे बारे में जो सुना था उससे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम कमजोर को मार के माल छीन लोगे। मैं अपने इलाके में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करता, और हम एक बार जिस चीज पे कब्जा कर लेते हैं वो कभी दूसरे की नहीं कहलाती। एक म्यान में दो तलवारों का मतलब है एक का टूट जाना विकी, और विकी फौलाद से बनी वो तलवार है छेनू, जिसने सिर्फ काटना सीखा है। और छेनू का सबसे बड़ा शौक ऐसी तलवारों को झुकाना होता है विकी। हमको झुका सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। क्या वक्त ने समझा है, क्या दौर ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। सलाम साहब। क्यों शुरू आते ही फिर से धांधली शुरू कर दी? नहीं नहीं, ये तो ऐसी बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मेरी मोटरसाइकिल फिसल गई थी, वो देखिए ना सब चीजें टूट गई। ये सिर पे चोट भी लगी? जी हाँ, ऐसी चोटें तो लगती रहती हैं इंस्पेक्टर साहब। डॉक्टर को दिखा देना। वो मैं खुद ही दिखा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अजी बड़े जोर से फिसला था, वो तो खुशकिस्मत था कि बच गया। इस बार तो बच गया, अगली दफा फिसले तो सीधा अंदर। ओके चलो। अंदर की बात छोड़ो इंस्पेक्टर साहब, अभी तो मुकाबला खत्म नहीं हुआ, सिर्फ शुरू हुआ है। क्या हुआ बेटे? कुछ ही मानी, जरा सी चोट आई है, ठीक हो जाएगी। कुछ भी नहीं, मर्द को अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। कितना गहरा घाव है, और कहते हो कुछ भी नहीं, माजरा दवाई तो लाना। हाँ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अरे तुम रहने दो, मैं खुद ही बांध दूंगा। ये फोकट की बहस अपने को पसंद नहीं। माँ जी कहती है जब घर में औरत हो तो उसका फर्ज है कि मर्द को किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना औरत किस काम की? बोलो बोलो, मुंह क्या देख रहे हो? लच्छो, तुम लोग कितने अच्छे हो, समझ में नहीं आता तुम लोगों की हमदर्दी का बदला कभी चुका? एक बार उस हत्यारे विनु ट्रक ड्राइवर को तलाश कर दो। लच्छो, तुम्हारी तरह मुझे भी किसी की तलाश है। इतना वादा जरूर करता हूं, जिस दिन मेरी तलाश पूरी हो जाएगी तुम्हारी तलाश भी पूरी कर दूंगा। एक काम कर, इसे अंदर भेज दे। अच्छा, छुट्टन से कहाँ है? अंदर लेटे आराम कर रहे हैं। बोल दो जीनत आई है। तुम ही जाओ, मैं तो अभी पिटकर आया हूँ। आए क्यों, क्या हुआ? रात मोती चूर के लड्डू ले आया कोई, बस मजे में दबा के खा लिए। आज सवेरे से लोटा पकड़े, एक अंदर एक बाहर।
छुटकर तेरा बाप तेरी मौत का पैगाम है। आता नहीं कि अच्छा कोई बात नहीं, हाँ पैसे कल चुका देना, क्यों आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है और आपको क्या चाहिए गरम मसाला। अरे बाप रे, ओ मर गया, चिंता आ गया। अनाज का लालच देकर मजबूरों की इज्जत का सौदा करने वाले जलील। मेरा नाम इंस्पेक्टर माधव है। कानून की हिफाजत के लिए मैं तुम जैसे गुंडों की खाल खींच देता हूं। मैं जानता हूं तुम जैसे थर्ड क्लास गुंडे चंद नोटों के लिए सेठों के हाथ पिक कर अपना सब कुछ खो बैठते हैं, लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है कि साफ साफ बता दो कि छुट्टन पर हमला किसने करवाया, कौन था तुम्हारे पीछे? मेरे पीछे गरीबों की भूख थी इंस्पेक्टर साहब, मेरे पीछे मां बहनों की इज्जत है जो चंद अनाज के दानों के लिए छुट्टन जैसे कमीने लूट लेते हैं। आप जानते हैं जीनत को, उस बुढ़िया मां की छोकरी को, अपनी मां का पेट भरने के लिए छुट्टन के पास अनाज के चंद दाने उधार मांगने के लिए गई थी, लेकिन उसके बदले छुट्टन ने उसे क्या दिया, उसकी इज्जत लूट ली। उसकी सजा देने वाले तुम कौन होते हो? कानून के ठेकेदार? माँ बहन लगती थी तुम्हारी वो? हाँ, थी, वो मेरी बहन थी इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी बहन थी। अगर यही सलूक आपकी माँ बहन के साथ हुआ होता तो आप क्या करते? जिसके घर में आग लगती है इंस्पेक्टर साहब, वही उसकी जलन को महसूस कर सकता है। मैं अपनी बहन की इज्जत पे आंख उठाने वाले हर छुट्टन का खून पी जाऊंगा, खलास कर दूंगा उन गरीब मासूमों की भूख के लुटेरों को। तुम क्या समझते हो एक छुट्टन को मारकर हजारों बेटियों की इज्जत बचा सकते हो? चंद दुकानदारों को खत्म करके सारे देश का पेट भरना चाहते हो? मैंने जो ठीक समझा वो कर दिया, लेकिन आप बताइए साहब, क्या इस खेल को रोकने का कोई रास्ता नहीं? रास्ता है शेनू, कानून उस पर चल भी रहा है, लेकिन तुम जैसे लोग उसमें रुकावटें डालते हो। हम क्या करते साहब? बड़े बड़े सेठ तुम लोगों की ताकत का नाजायज फायदा उठाकर माल को दबाकर मुनाफे में बेचते हैं, और तुम गुंडों की वजह से पब्लिक कुछ बोल नहीं सकती। क्या तुम जैसे बदमाश ये सब नहीं करते? साला मां कसम, ये तो अपने ही भाई बहन करते हैं साहब। हम अपने ही हाथों अपने ही गरीब भाइयों को लूट रहे हैं। अगर तुम लोग कानून का साथ दो, माल कहां से आता है, कहां रखा जाता है, हमें खबर दो, हम माल को पकड़ेंगे और सरकार 10% उसका तुम लोगों को देगी। इंस्पेक्टर साहब, ये बात तो अपन के दिमाग में आज तक घुसी ही नहीं थी। मैं कसम खाता हूं इंस्पेक्टर साहब, मैं उन एक एक जगह का पता चलाऊंगा और अपने जैसे हर गुंडे को जाकर ये बात बताऊंगा कि ये सेठ लोग ही अपन लोगों को बकरा बनाए हुए। मैं तो इन सब की... अच्छा साहब, आप देखो अपन क्या करता है, अपन जाता है साहब। ठहरो, हमने तुम्हें छुट्टन पर हमले के चार्ज में पकड़ा है। एक्सक्यूज मी सर, शेनू की जमानत के लिए एक आदमी आया है। कौन है? कोई साबिर मियां सर। साबिर बाबा, इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे मकान के कागजात हैं। लाइए। उम्मीद है मेरी जमानत आपको कबूल होगी। जी हाँ, जरूर जरूर बाबा, तुम्हारा एहसान में। अरे फर्ज निभाना एहसान नहीं होता पगले। बाबा तुम बाद में आओ, मैं जरा चलता हूँ। कहाँ? अपने नेक फर्ज को निभाने बाबा। विकी, तुम बहुत मुश्किल से तेरा पता चला यार। घर तो बहुत बढ़िया बना लिया तुमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? चले जाओ यहां से। मैं यहां कोई झगड़ा करने नहीं आया हूं, समझौता करने आया हूं। बड़ी जल्दी समझौते की जरूरत पड़ गई।
लेकिन याद रखो छेनो, विकी बांट कर खाने का आदि नहीं। वो आदत तो मेरी भी नहीं है राजा। विकी बात इलाके की नहीं, उन बदमाश भाइयों की है जिनकी ताकत का गलत फायदा उठाकर सेठ लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे। मैं चाहता हूं विकी कि हम दोनों मिलकर अपने उन बदमाश भाइयों को सही रास्ता दिखाएं, उन्हें बताएं कि जो छेनो, विकी हमेशा अपना खेल अकेले और अपनी मर्जी से खेलता है। दूसरों के साथ मिलकर नेतागिरी और चमचागिरी की आदत नहीं है मुझे। जबान संभाल कर बात कर विकी, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी खोपड़ी उलट जाए और उस दिन का अधूरा फैसला मुझे आज करना पड़े। अगर एक मिनट में तुम यहाँ से नहीं गए तो इस घर से तुम्हारी लाश जाएगी। उससे पहले तुम्हारे इस घर को मैं तुम्हारी कब्र में बदल दूंगा। चले जाओ यहाँ से। मार डालूंगा, अब देखता हूँ कौन बचाता है तुझे। नहीं, मार डालेगा क्या? जा यहाँ से। लक्ष्मण, छोड़ मुझे। मेरी बात सुन। लक्ष्मण, चले दे मुझे। आपको क्या हुआ? क्या हुआ? ये लीजिए। मम्मी पापा ठीक हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, तेरे पापा ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे ना? ये लीजिए। मम्मी तू बोलती क्यों नहीं? पापा ठीक हो जाएंगे ना? मत रो बेटा। ठीक हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, तेरे पापा ठीक हो जाएंगे। नहीं, ये सब कैसे हो गया? क्या हो गया? क्या बात है छिनू, क्या हुआ? मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा। किसे जान से मार डालोगे छिनू, क्या बात कर रहे हो? उन्हीं दोनों को साबिर बाबा, जिसमें से एक ने मेरे इलाके पे हाथ डाला और दूसरे ने मेरे यकीन, मेरी मोहब्बत, मेरे दिल के टुकड़े कर दिए। और लच्छो साबिर बाबा, लच्छो, वो लच्छो जो मेरा प्यार, मेरी जिंदगी थी, वो नागन जो मेरे मोहब्बत का इंतजार न करके दौलत के चौखट में झुक गई। नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कुछ धोखा हुआ है लच्छो, ऐसी हो ही नहीं सकती। लोगों का कहा और कानों का सुना धोखा हो सकता है साबिर बाबा, लेकिन आंखों का देखा नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि लच्छो लक्ष्मी देवी बनकर विकी के शानदार बंगले में रह रही है, उसका सर अपनी गोद में लेकर उसे पानी पिला रही है, करीब खड़ा बच्चा उसे बाँ कह के बुला रहा है। ये सब किस लिए साबिर बाबा? ये सब किस लिए? उसकी दौलत के लिए, उस पैसे के लिए जिसे मैं चाहूं तो अपने एक ही ठोकर से पैदा कर सकता हूँ। तेरे विचार इतने घटिया हो सकते हैं ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। तूने लच्छो पे शक किया? वो लच्छो जिसकी बदनसीब जिंदगी में कोई खुशी है तो तू है। झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आंसू की चादर जब आग पे से हटती है तो इंसान को भगवान के रूप में भी शैतान नजर आता है। आखिर बात क्या है, इतनी गर्मा गर्मी क्यों? कुछ नहीं बाबा, जेल की सलाखों के पीछे रहकर इसके दिमाग को भी जंग लग गया है। सारा मोहल्ला जानता है कि मुझे यहाँ से गए हुए सिर्फ एक महीना हुआ है और एक महीने में मैं 5 साल की बच्चे की माँ भी बन गई। लेकिन तुम वहाँ पहुँच कैसे गई लच्छो? इसकी जलीकटी सुनने और ये देखने के लिए कि इससे अपनी लच्छो पर कितना भरोसा। भरोसे की बात कर रही है तू? मैं जाने मैं कैसे वहां से चला आया, वरना माँ कसम या वही जान दे देता या ले लेता। हाँ हाँ, ले ले मेरी जान, बुझा ले अपनी प्यास। छेनू, सब कुछ करना लेकिन मुझ पे शक नहीं करना, वरना तेरी कसम मैं अपनी जान दे दूंगी। तू जब तक ठंडे दिमाग से सोचने की आदत नहीं डालता, हमेशा उलझन दलदल में गिरफ्तार रहेगा। लच्छो, 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 रुक जा, लच्छो, रुक जा, लच्छो। रोको, रोको, मुई रोको, 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 मुई रोको। जाती है दुनिया वाली।
वालों जिसने मुझको लूटा छूटा मेरी रुस गई झांझर वाली के मेरे लिए जग रूठा के मेरे लिए जग रूठा मेरी रुस गई झांझर वाली के मेरे लिए जग रूठा के मेरे लिए जग रूठा दिलबर हूँ आखिर तेरा ओ हो आखिर तेरा दिलबर हूँ जा 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 है कितनी सजा ही काफी कितना जोर लगा ले कभी न दूंगी माफी तेरा सहारा दिल को था अब वो भी सहारा छूटा मेरी रुस गई झांझर वाली ए मेरे लिए जग रूठा ये मेरे लिए जग रूठा मेरी रुस गई झांझर वाली ये मेरे लिए जग रूठा ये मेरे लिए जग रूठा होता है उसी पे होता शक है जिस पे कोई हक होता है उसी पे होता शक है शक निकाला जिसे मुझ पे पूरा तेरा हक है तेरा मेरा प्यार है सच्चा बाकी जमाना झूठा मेरी मन गई झांझर वाली ये रहे चाहे जग रूठा 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 क्या सोच रही है जेल में मेरी याद आती थी उसके सिवाय और वहां था ही क्या अच्छा ये तो बता तू विकी क्या कैसे पहुंच गई उसकी एहसान की वजह से उसने माँ के ऑपरेशन के लिए कुछ रुपए दिए थे और ना भगवान ना करता माँ उसकी दिलेरी की कदर तो मैं करता ही था तुम्हारी मदद की ये जानकर उसकी इज्जत मेरी नजरों में और भी बढ़ गई लेकिन तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी है तुम क्यों उसे लड़ने गए थे लड़ाई तो मर्दानगी से शुरू हुई थी लेकिन अब बात उसूल की बन गई है खैर तू विकी के सारे पैसे दे दे और गांव वापस लौटा माँ कसम तेरे बगैर मोहल्ला बिल्कुल सुना सुना लगता है मुझे भी मालूम है मेरा भी वहां मन नहीं लगता मगर तुझे कैसे समझाऊं बात पैसे की नहीं है तो... अरे पानी आ रहा है चलो यहाँ से बैठ नहीं अरे मगर वो बच्चा मुझे बहुत प्यार करता है ले बेटे खा ले नहीं
नहीं खाऊंगा। बंटी, मम्मी, मम्मी तुम कहाँ गई थी? क्या बात है बंटी? कौन से ऐसे रिश्तेदार थे तुम्हारे वहाँ जिनके पास जाकर तुम ये भी भूल गई कि तुम्हारे बिना इस बच्चे का क्या हाल होगा? बाबूजी, कान खोलकर सुन लो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन बंटी को तुमसे ज्यादा मैं प्यार करती हूँ। तुम क्या चाहती हो कि तुम आवारा गर्दी करती रहो और तुम्हें कुछ खाना जाए? विक्रम सेठ, माँ कसम ये शब्द आज तक मेरी माँ ने मुझसे नहीं बोला। तुम कौन होते बोलने वाले? क्या हक है तुम्हारा मुझ पर? हाँ हाँ, मेरा हक है तुम पर। तुम मेरे खैर बच्चों, मेरे इस घर की मेरी अपनी एक इज्जत है, एक मकाम है। तुम इस घर में रहकर सारा सारा दिन इतनी दिन तक बाहर नहीं रह सकती, समझी? अगर मेरी वजह से तुम्हारे घर की बेइज्जती होती है तो मैं इस घर से इसी वक्त चली जाती हूँ। चलो माँ। तुझे क्या हो गया लच्छू? ये क्या? नहीं माँ, तू चल, हमारी अपनी भी तो कोई इज्जत है। मुझे बंटी, बंटी छोड़ दे, से और जाने दे। क्या लगती है तुम्हारी, कौन सा रिश्ता है इसका इस घर से? पापा, मैं मम्मी को नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। मैं कहता हूँ जाने दे से। पापा, मैं मम्मी को नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। बंटी, बंटी मैं कहता हूँ छोड़ दे। मम्मी को नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। बंटी तुमने इसे मारा, इस फूल को मारा, तुम इंसान नहीं पत्थर हो, पत्थर। क्या काम है तुम्हें? भैया लाखों का माल आ रहा है, गेहूं, शक्कर, घी, दालें, ट्रक खचा खच भरा हुआ है। भैया एक तरफ तुम हो और एक तरफ बनवारी और उसके आदमी, माल कहीं रास्ते में गायब हो गया भैया तो मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। तुम्हारा हार्ट फेल नहीं होगा सेठ, एक ही तो मजबूत चीज है तुम्हारे पास। ठीक है तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। कल हीरालाल का माल आ रहा है और वो माल पुलिस की हिफाजत में सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। चलो। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? शराब की बेहोशी और नोटों में जकड़ी हुई बदमाश की ताकत ही अच्छी तरह जान चुकी है, उस ताकत से उसके ही गरीब भाइयों की भूख को लूटा जा रहा है। वैसे एक बात है छेलो, तुम दहलग अच्छे बोल रहे थे लेकिन मजबूत बाजों को मजबूत विचारों का मिल जाना अच्छा नहीं होता। यही विचार कह रहे हैं कि इससे पहले कि ये बाजू तुम्हारे गिरेबान तक पहुंचे, अपने आप को इस खोटे धंधे से दूर कर दो। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? पुराने साथी होने के नाते तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर तुम समझ सको बहुत अच्छा है। ये क्या है? संभालो इसे, तुम्हारे सब्जी काटने का काम आएगा। मैं तो तुम्हारे बनवारी सेठ से जरा दिल्लगी कर रहा था। दिल्लगी? हाँ बिल्कुल सेठ। अरे तुम ठहरे साहूकार लोग और हम ठहरे बदमाश लोग। अरे हमारा और तुम्हारा रिश्ता तो बिल्कुल भगवान और भक्त का है। इतनी आसानी से कभी टूट सकता है क्या? और तू छूट सकता है क्या मुझसे? खबरदार जो कोई अपनी जगह से हिला तो। शुक्रिया देवी जी, इतने आदमियों के लिए बोतल के नहीं एक छोटी सी पिस्तौल की जरूरत थी, एक छोटी सी पिस्तौल की जिसके सामने बनवारी भी चूहा नजर आने लगा। हाँ तो अपने चमचे प्यादों से कह दो बनवारी कि अगर किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो तुम्हारे शरीर का सारा खून बियर की झाग की तरह बाहर निकाल दूंगा, समझे? चलो एक बात याद रखना, यह खेल तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। बनवारी, सस्ते खेल खेलने का मैं भी आदी नहीं हूं बेटा, समझे? तुम लोग क्या समझते हो,
तुम्हारे बगैर मेरा काम नहीं हो सकता। विकी हर तूफान से अकेले खेलने का आदि है, समझे? अब हमें छेनू दादा ने जगा दिया है उस्ताद, हम अपने गरीब भाइयों की रोटी नहीं छीन सकते। उस वक्त तुम्हारे दिलों में दूसरों के लिए हमदर्दी क्यों नहीं जागी थी, जब तुम लोग भूखे फुटपाथ पर तड़प रहे थे और मैंने तुम लोगों को सहारा दिया था, रोटी दी थी। लेकिन उस्ताद, बकवास बंद करो। चलो ट्रक की चाबी, माल मैं लेके जाऊंगा। के कुत्तों, पुलिस की वर्दी में आ गए तुम लोग। अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ट्रक विक्की चला रहा था। सबूत है सर। वो क्या? ये सिगरेट केस। विक्की। ओ, इंस्पेक्टर साहब आप? मिस्टर विक्रम, कहा जाता है कि कुछ स्थानों पर आप विक्की के नाम से भी जाने जाते हो। जी हाँ, असली नाम तो मेरा विक्रम है, लेकिन कुछ लोग प्यार से मुझे विक्की भी कहते हैं। दरअसल बात यह है, पुलिस ने एक ट्रक पर कब्जा किया है जो कि स्मगलिंग का है, और कहा जाता है कि वो ट्रक आप चला रहे थे विक्की बनकर। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपके पास कोई सबूत है तो हथकड़ी लगा दीजिए। सिगरेट नोश करवाएंगे आप? विक्की? जी नहीं, सिगरेट तो मैं सिर्फ अपने ही पीता हूँ, और बीफ ऑफ विक्ट्री भी होता है। I'm sorry. Okay, well, thank you. भैया, 1,00,000 का माल और 50,000 का ट्रक पानी के अंदर। इतने में घबरा गए सेठ? मत भूलो, तुमने आज तक जो कुछ कमाया है हमारी वजह से है। सो तो है ही भैया, धंधा कमाई के लिए ही तो किया जाता है। और सुनो, शेरा ने जो मेरा नुकसान कराया सो मैं सह गया, लेकिन भैया नहीं 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 नहीं, तुमने जो नुकसान कराया उसमें से आधा तुम्हारा आधा मेरा। और भैया, और सुन लो कान खोलकर, आइंदा से तुम्हारी हमारी पार्टनरशिप खत्म। तुम इतने जलील और कमीने आदमी निकलोगे,
ये मैं सोच भी नहीं सकता था। देखो जी, पार्टनरशिप में मैं तुम्हारी बातें सुनता रहा, वो मेरे धंधे का धर्म था, लेकिन अब बात काबू से बाहर हो गई है। आखिर मेरी भी तो कोई इज्जत है। तुम्हारी इज्जत सिर्फ इसी में है, तुम इसी वक्त मेरी आंखों से दूर हो जाओ। तुम्हारे पैसे पहुंच जाएंगे। पहुंचे पहुंचेंगे नहीं, मैं तो लेकर ही जाऊंगा। भैया की बात, धरती की मट्टी को आसमान पर बिठाया और आज मुझको आगे दिखाता है, कहता है कि पैसे नहीं दूं। तुम किस पे इतना गुस्सा निकाल रहे हो? और कौन? वही नारी का कीड़ा विक्की। सुनो, तुम छुप जाओ जल्दी। ये यहां क्यों आया है? हीरालाल। कमीने कुत्ते, खामोश। ये ले तेरा एहसास। भैया की बात, पैसे की बात आई तो शक्ल मत दिखाना। बेइज्जती का बदला लेना चाहते हो? है कोई रास्ता? आज तक तो तुम्हें मुझसे फायदा ही हुआ है। लेकिन इस बार राज की कीमत ये सब सुनो। भैया की बात, शेर अपना शिकार खुद करता है और खुद खाता है हीरालाल, इसलिए मैं किसी दूसरे के साथ मिलकर कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। भैया की बात, मैं जानता हूँ बनवारी सेठ, लेकिन वो छीनू का बच्चा है ना, उसने सारे गुंडों को शराफत का चोला पहना दिया है। सोने पर सुहागा, आस्तीन का सांप, अरे जो विक्की है ना, जिसे फुटपाथ से उठाकर लाया था, कमबख्त ने धक्के मार कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। नेचुरली यू डिजर्व इट, छोटे लोगों को सर पे चढ़ाने का यही अंजाम होता है। भैया की बात, इसीलिए तो बड़े लोगों के पास आया हूँ। हीरालाल, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सोच लो बनवारी सेठ, अभी तक तो मामला भाईचारे का है, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो नुकसान में आ जाओगे भैया। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे विक्की को बताना पड़ेगा कि सेठ बनवारी लाल ही कीमती लाल है, बस फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। विक्की का कीमती लाल से क्या मतलब? सिर्फ इतना कि विक्की ही विनोद है, जो तुम्हारी टक चलाया करता था ना, और उसकी बीवी पैसे न मिलने की वजह से मर गई, और तुमने उसे 6 महीने के लिए जेल भी तो भिजवा दिया था ना भैया की बात। इस मामले में मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम? शिकारी के शिकार करने का चारा मेरे पास है। तुम्हारे पास? कौन है? शक्ति, रामपुर की बड़ी मशहूर चीज। रामपुर, ये सिर्फ नाम का ही शक्ति है या काम का भी? तो फिर काम भी देख लो। शक्ति। ब्लडी गॉड, वेरी गुड शक्ति, वेरी गुड, हम बहुत खुश हुए। तुम वाकई काम के आदमी हो, अब तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। रकम तुम्हें मुंह मांगी मिलेगी। कल गोविंदा का त्योहार है, छेनू और विक्की अपनी अपनी टोलियों के साथ उस मटकी को तोड़ने जाएंगे जिसे मोहल्ले का दादा तोड़ता है। जाहिर है दोनों में आपस में झगड़ा होगा, वैसे तो इस झगड़े में एक मारा जाएगा और दूसरे को फांसी होगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम भीड़ की आड़ लेकर विक्की को अपने चाकू से मारोगे।
तीन बत्ती वाला गोविंद आले, तीन बत्ती वाला गोविंद आला, गोविंद 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 गोविंद। रस्सी पे लटके मिट्टी की मटकी, मटकी में माल मसाला गोविंद तीन बत्ती वाला, देखो मटकी तोड़ने आला रे आला। हे लाल पट्टी वाला गोविंद आला, हे लाल पट्टी वाला गोविंद आला, गोविंद 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 गोविंद। ऊपर लटक के नीचे पटक के लूट लो माल मसाला सेना को लेकर आला रे कतारें डाल दो ढेरा इस मटकी पर, हक है मेरा। बांध कतारें डाल दो घेरा इस मटकी पर, हक है मेरा। सर कोई उठाए सर को झुका दो, हाथ उठे तो हाथ उड़ा दो। हाथों के तोते उड़ जाएंगे हमसे जो पड़ गया पाला तीन बत्ती वाला, देखो मटकी तोड़ने आला रे आला। मेरा दुनिया पहचाने, बच्चा बच्चा मुझको जाने। नाम मेरा दुनिया पहचाने, बच्चा बच्चा मुझको जाने। कदम उठे तो दुनिया रुकती, चलती हवा मुझे देख के रुकती। मेरे हाथ से बच कर जाए, बच कर जाए, जाए कोई किस्मत वाला गोविंद गोविंद गोविंद। लाल पट्टी वाला अपनी सेना को लेकर आला रे आला। गोविंद आला रे आला, इस मटकी को हम लूटेंगे आला रे आला। देख न फिर कई सर फूटेंगे आला रे आला। चमचा देखता हूँ मैं तेरा हौसला, कर दूंगा मैं अभी फैसला। तीन पत्ती तो जलती रहेगी, लाल पट्टी भी तो चमकती रहेगी। तीन पत्ती तो जलती रहेगी, लाल पट्टी भी तो चमकती रहेगी। आज ये मटकी तुम्हारी पट्टी की चमक को हमेशा के लिए बुझा देगी। फैसला तुम्हारी बत्ती का गुल करके मेरा चाकू करेगा। Thank you.
के भाव में विक्की दादा जीतेगा। एक के दस, एक के दस, एक के दस, एक के दस। हाँ, चैनू दादा जीतेगा। लगा चैनू दादा पर। ओलो, शर्म नहीं आती तुम्हें? त्योहार के मुबारक दिन में इंसानी खून पे दाव लगाते हो? हट जाओ यहाँ से। चलो, रुकिए, रुक जाओ मैं कहता हूँ, रुक जाओ। रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, ठोक दो ये चाकू मेरे सीने में। पापा, तुम दोनों पागल हो गए? अरे त्योहार का दिन इबादत का दिन होता है। दुनिया के हर मजहब ने इसे इसलिए बनाया है कि हर इंसान आपसी दुश्मनी को भूलकर उस खालिक के कायनात का शुक्र अदा करे, और वो भी आज का त्योहार भगवान कृष्ण के बनाए इस गोविंदा का तो मतलब ही एकता है। हर दोस्त दुश्मन कंधे से कंधा मिलाकर आसमान में लटके अपने भगवान के प्रसाद को हासिल करता है, और तुम दोनों इस मुबारक प्रसाद को खून की चादर में लपेट देना चाहते हो? नहीं छेनो, नहीं विकी, ये गुनाह मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। भूल जाओ आज के दिन अपने दुश्मनी को। कसम है तुम्हें इस खून की जिसने तुम्हारे हाथों को रोक दिया। पाक कर दो इस साबिर के बहे खून को। चलो गोविंदा 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 कौन हो तुम? तुमने छेनू पे वार क्यों किया? कमाल के आदमी हो उस्ताद, खुद ही मुझे बुलाया छेनू को मारने। तुम्हें पूछते हो? झूठ मत बोल, मैं तुम्हें छल से मार डालूंगा। तो ये वार तूने कराया था, ये वार तुझे बहुत महंगा पड़ा। छेनू, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। विकी कोई बुजदिल नहीं जो पीछे से वार करवाए, मैं अभी साबित करता हूँ। चलो मैं जाऊँ उसके पीछे। चले दो, चलो चलो चलो। मां जी, आप मुझे इस नाम से? विनोद से विक्रम तुम इसलिए बने कि तुम अपने पापों को छुपा सको। ये तस्वीर? मां जी, खबरदार जो मां के पवित्र शब्द को गंदा किया। मुझे मां कहने का हक किसे था? मेरी बेटी को जो तेरे जाल में फंसकर हमेशा के लिए चल बस। आपके दिल में मेरे लिए बसी हुई नफरत को मैं जानता था मां जी, इसलिए नहीं चाहता था ये बात आप तक खुले
और मेरे बंटी को ममता का जो साया आपके और लक्ष्मी के आने से मिला है, कहीं उसे दूर ना हो जाए। ये बात मैं अपने सीने में दबाए हुए मर जाना चाहता था, लेकिन 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 भगवान को तेरे चेहरे की काली दिखाना मंजूर था। एक बदनसीब माँ जिसकी बेटी को तूने छीना, एक बेबस पत्नी जिसके पति को मौत का कारण तू हो गया, इस अभागर के दिल में सुलगती हुई आग के शोलों को तुझे दिखाना था। मैं इस आग की जलन को महसूस कर सकता हूं मां जी। आपने अपनी बेटी को खोया है और मैंने अपनी पत्नी को। मैं तो कब का मर गया होता, अगर जिंदा हूं तो सिर्फ बंटी के लिए। आप विश्वास कीजिए मां जी, जो कुछ हुआ है उसमें मेरा कोई दोष नहीं था, कोई दोष नहीं था। अगर दोष था तो मेरी गरीबी का था, इस समाज के दकयानुसी रिवाजों का था, जिसने मुझे मेरी चंपा और विनोद को छीनकर मुझे विक्रम बना दिया। भगवान की सौगंध मां जी, मेरा और चंपा का प्यार अपने झूठे प्यार को गंगा जल से मिलाकर अपवित्र मत कर। तेरा प्यार एक जहर है जिसने मेरे पति की जान ले ली, मेरी बेटी को तड़पा तड़पा कर मार डाला, और उस जहर उगलने वाला ना तू है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जाल से मार डालूंगी, जाल से मार डालूंगी, जाल से मार डालूंगी, मार डालूंगी, जाल से मार डालूंगी, जाल से मार डालूंगी, जाल से मार डालूंगी, जाल से मार डालूंगी। मां जी, मां जी, ये जानकर कि मैं ही विनोद हूं, मां जी की ये हालत हो गई है, जब लच्छू को पता चलेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा? बाबूजी, क्या हुआ मेरी मां को? घबराने की कोई बात नहीं है लक्ष्मी, ऊपर वाले पे छोड़ दो, भगवान ने चाहा तो। पता नहीं भगवान क्या चाहता है, पहले बाबू, फिर कबीला, फिर बहन, सबके बिछड़ने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला। क्यों शैतान विनोद को हमारी जिंदगी में भेजा? खुशखबरी मिस्टर, अब मरीज को डर नहीं, थोड़ी बेहोशी है, सुबह तक ठीक हो जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब। बाबूजी, लक्ष्मी एक और खुशखबरी है तुम्हारे लिए, वो ट्रक ड्राइवर विनोद जिसकी तुम्हें तलाश थी मुझे मिल गया है। सच? कहाँ है वो? कल 10:30 बजे तुम्हें घर पे मिलने आएगा। आपको होश आ गया? गुड। ये आपकी बेटी है? नहीं। नहीं? कमाल है, अब बड़ी भाग्यशाली है माँ जी, इतना प्यार इतनी सेवा तो मैंने किसी सगे बेटे को भी करते हुए नहीं देखा। सारी रात पलक तक नहीं झपकी, मैंने कहा भी आराम कर लीजिए, कहने लगे माँ जी अच्छी हो जाए मुझे आराम मिल जाएगा। ये विनोद का खुद का लिखा हुआ बयान है कि वो जानबूझकर खुदकुशी कर रहा है ताकि उसकी मौत की जिम्मेदार तुम ना ठहराई जाओ, और ये है उसका पिस्तौल। लेकिन वो है कहां? तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तू? हाँ मैं, और ये रहा पिस्तौल, अपना बदला चुका लो।
मेरे खानदान की बर्बादी के जिम्मेदार, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं बेटी, छोड़ दे मुझे माँ, तू नहीं जानती ये कौन है। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, जो आदमी दूसरों की बीमारियों पर तड़प जाता है, दूसरों की मजबूरियों को समझ सकता है, वो हालात का गुनहगार जरूर होता है, दिल का नहीं। ये तू कह रही है माँ, जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं इसका खून पी जाऊंगी। तेरे दिल में जो नफरत की ज्वाला भड़क रही है, उसे शांत करने का एक ही तरीका है, विनोद के खून से तेरी मांग भी। लच्छो, ये नहीं हो सकता, मैं छेदू के बिना नहीं रह सकती। बंटी भी तेरे बिना नहीं रह सकता। ओ मासूम, तेरी बहन की आखिरी निशानी, वो तुझसे कितना प्यार करता है, वो तुझसे अलग रहकर कैसे जिंदा रहेगा, क्या तू उसे जीते जी मार डालना चाहती है। याद रख लक्ष्मी, तेरी जिंदगी इस घर बंटी के लिए ही है, फिर भी तू जाना चाहती है तो मेरी लाश पर से गुजर कर तुझे जाना होगा। बेटी, बेटा बन के मां का ध्यान रखना। हाँ बाबा, मैं वादा करती हूँ, मां की खुशी मेरी खुशी होगी। ये बोल कि तू शुरू से ही मुझसे खेलती रही, तेरा दिल विकी की दौलत का पहले से गुलाम हो चुका था, जिसे मैं बांटता रहा और वो समेटता रहा। अपन भी अनाज खाते हैं, अपने पास भी भेजा है। जब मैं जेल से छूट कर आया तो तू उसके घर में थी, जब मैंने उसे मारना चाहा तू बीच में आ गई। चिन्नू, तू मुझे गलत समझ रहा है, ये सब झूठ है, इल्जाम है। इल्जाम है, झूठ है, तो सच क्या है? बोलना सच क्या है, बोल। सच ये है चिन्नू, मेरा जीवन तेरे लिए नहीं, उस घर के लिए है जो तुझे मुझे भूलना हो। हाँ हाँ, भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा उस प्यार को जिसे मैंने जिंदगी समझा था। हाँ भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा उन सपनों को जिन्हें मैंने दिन के उजाले में देखा और रात की स्याही की भेंट कर दिया। भूल जाऊंगा उस वफा को जो तुझ जैसे नागिन पे भरोसा किया। छेनू, बच्चो एक बात याद रख, विकी ने तेरा सहारा लेकर जो चाकू मेरी पीठ में मारा है, मैं उसे उसके सीने में उतारना कभी नहीं भूलूंगा। नहीं नहीं छेनू, नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करना, मैं तेरे पांव पड़ती हूँ। चली जाओ बच्चों, चली जाओ, इससे पहले कि मेरे दिल में बसी हुई तेरे प्यार की चिंगारी हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाए, चली जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ चली जाओ, वरना कहीं मेरे हाथों तेरा खून ना हो जाए। मिस्टर विकी, इंस्पेक्टर साहब ने आपको पुलिस स्टेशन बुलाया। इंस्पेक्टर साहब? जी हाँ। चलिए इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे याद फरमाया। शक्ति नाम के आदमी को जानते हो? जी हाँ, गोविंदा के त्यौहार पर पहली बार उसे मिला था। फॉर योर इंफॉर्मेशन, शक्ति मर चुका है और उसके मरते वक्त का बयान मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिया गया था और उसने बताया है कि तुम। इंस्पेक्टर साहब आप यकीन जानिए, मैं उसे जानता तक नहीं, ये किसी की साजिश है मुझे फंसाने के लिए। मैंने उसे छेनू पर हमला करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था। मैंने कब कहा कि तुमने कहा है? शक्ति को ये काम करने के लिए बनवारी ने कहा था। बनवारी? हाँ बनवारी, वही बनवारी जिसका असली नाम कीमती लाल है, वही कीमती लाल जिसका ट्रक तुम चलाया करते थे, जिसके पैसे लूट कर तुम भाग गए थे और तुम्हें 6 महीने की सजा हुई थी। तो वो कीमती लाल से बनवारी सेठ बन गया है। हर इंसान की भूख सोने चांदी के सिक्कों की मोहताज होती है, और मैं उन सिक्कों को अपना मोहताज बना दूंगा बनवारी सेठ, ताकि दुनिया देखे कि प्यार करने वाला जब अपना रूप बदलता है तो सारी दुनिया उसकी ठोकर पे होती। बनवारी कहाँ है? किसी दोस्त के यहाँ पार्टी में गया हुआ है। लड़की, मुझे झूठ बोलने वाले से उतनी ही नफरत है
जितनी भगवान को शैतान से। बनवारी कहाँ है? बताती हूँ। बनवारी कहाँ है? छेनू के साथ माल लेके जा रहा है। मेरे रास्ते से हट जाओ विकी, वरना मैं नहीं चाहता कि लच्छो सुहाग का जोड़ा पहनने से पहले ही विधवा हो जाए। उसी के सुहाग की हिफाजत के लिए मैं यहाँ आया हूँ छेनो। आए हो तो वापस लौट कर नहीं जाओगे। सुनो छेनो, मोहब्बत की जिस चोट ने मुझे बर्बाद किया है उससे मैं तुझे बर्बाद नहीं होने दूंगा। लक्ष्मी तेरी है और तेरी ही रहेगी। इसके माने कि मैंने जो कुछ समझा वो गलत था। भैया की बात, गलत और सही का फैसला तो होता ही रहेगा। पहले मेरा माल तो जाने दो। ये माल अब नहीं जाएगा। अब बोलो हीरालाल, जाएगा कि नहीं जाएगा? बच्चे को, वरना तू कीमती लाल से बनवारी लाल बन गया। यहाँ की बाजी तो शतरंज की बाजी से भी ज्यादा पलटे खा रही है। इस बाजी की दास्तान तेरे खून से लिखी जाएगी। रियले इनलाल, विनोद के इस बच्चे और इस खूबसूरत जवानी को इधर लेकर आ। चल 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 बनवारी, बनवारी पुलिस आ गई। पुलिस? हाँ। तो ठीक है, तुम पेट्रोल का डब्बा निकालो, यहाँ छोड़ दो। ठीक है ठीक है, चल चल। विनोद, याद है मेरी लगाई हुई आग को तुम बुझा देना चाहते थे, लेकिन अपनी लगाई हुई आग को मैं आज और भड़का देता हूँ। Uncle!
गरीब बंटी को देखिए। छोड़ दे मेरे दोस्त, छोड़ दे इसे। हेलो, अरे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। हाँ अभी नहीं, नहीं सावर भैया, नहीं। ये तुमने क्या किया दोस्त? मुझे बचाने के लिए तुम अपनी जान पे खेल गए? नहीं, मैंने तुम्हें कहा था ना छेनू, कि मैं अपने जीते जी लक्ष्मी के सुहाग को कभी नहीं मिटने दूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों मेरे बच्चे को सब कुछ दोगे, जिसके मैंने सपने देखे थे। हाँ, क्यों? मेरा विश्वास रखो दोस्त, मेरा विश्वास रखो। विकी